अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं जहांगीर, मेरे साथ हमजा और जहांगीर और आलमगीर, आप देख रहे हैं चैनल पाकिस्तान। कैसे हैं आप दोस्तों? सब तुम्हारे दर पे अस्सलाम। सो गाइस, आज आईपीएल 2021 का जो है ना प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। प्रमोशन स्टार्ट है, धोनी भाई ने आजकल एंट्री मारी है। धोनी भाई ने प्रमोशन स्टार्ट कर दी है, एड्स आना शुरू हो गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी एक चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा पब्लिक आ रही नहीं आ रही आईपीएल में अभी भाई, मुझे मुश्किल लग रहा है भाई। आएगी पब्लिक, क्या हो गया पब्लिक आएगी असल में, ये हो गया। हां यार, कुछ नहीं होता आईपीएल में भाई। मैच चल रहा था तो दो मैचों में आई है पब्लिक, बाकी नहीं आई। तो हो सकता है किसी कारण से ना आई हो, अभी कितना पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में पब्लिक आएगी। मेरे ख्याल से आप पब्लिक के लाने के चक्कर में पीएसएल कैंसिल करवा लेंगे। पीएसएल कैंसिल हो चुका है, आईपीएल की बात हो रही है, वही पब्लिक आ जाए और कुछ नहीं होता है। चलते हैं वीडियो देखने, लेट्स स्टार्ट। Where is the Vivek? सर, विवेक मिल नहीं रहा, सुबह बहुत गुस्से में था। सर, विवेक अक्सर क्रोध में खो जाता है। अच्छा। Boys, सुनो, कहानी है एक विराट खिलाड़ी की, जिसने गुस्से से बड़ी बड़ी टीम को अच्छे से धोया और किंग का खिताब पाया। क्रोध में खोकर कोई जीत को पाले तो क्रोध बुरा नहीं। तो सर, कैसबर किंग को क्राउन मिलेगा? किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो आईपीएल ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। ये मार्च चल रहा है। हाँ, मेरी अगला महीना अप्रैल, मेरे जन्मदिन पर, मतलब के 13 अप्रैल के, मतलब के लालच। आज का टॉपिक है लालच। ये कहानी है हिटमैन रोहित की। एक बार शेर के मुंह में खून लग गया, 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। लालच बोरी वाला है। नो बालक, वीवो आईपीएल में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। लालच किसका मंत्र काम आएगा ये तो आईपीएल ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। अभी तक दो ही देखे हैं, और भी हैं कि नहीं? एड्स एमएस धोनी के ये ऐड आया बस, तो दो ही ऐड आए हैं। नहीं, मेरे ख्याल में 2021 के और ऐड होंगे यार, अभी और नहीं आए। आपने चेक किया? देख ले भाई। आज इन वीडियोस के अंदर हमने दो चीजें देखी, एक उस खिलाड़ी को देखा जो 5 बार टाइटल जिता चुका है, और एक उस खिलाड़ी को देखा जो विराट कोहली किंग के नाम से जाना जा चुका है, और दूसरा एक बंदे को देखा जो जबरदस्त नंबर 1 फिनिशर और कमाल का कैप्टन जाना जाता है, और वो थे एमएस धोनी। एमएस धोनी ने दोनों एड्स बनाए हैं और बड़े लाजवाब किस्म के एड थे यार। इस बार चेन्नई का खेलेंगे, इस बार खेलेंगे तो क्यों नहीं खेलेंगे भाई? अफरीदी का बल्ला नहीं चला, लेकिन अफरीदी का बॉल बहुत चल रही है आजकल। हाँ जी, नहीं बात अब बॉल बल्ले की तरफ नहीं आते, मैं बात करता हूँ क्या है धोनी की। तो एमएस धोनी का ये जो दूसरे वाला ऐड था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई लालच नहीं कहना बल्कि कूल कहना है। कूल लालच नहीं, यानी 5 बार टाइटल जीत गई यार, लालच कूल है। लालच बुरी बला नहीं है, लालच कूल है। इस वक्त सबसे स्ट्रांग टीम मुंबई की है, आईपीएल की सबसे स्ट्रांग टीम मुंबई है। मुंबई और पिछला आईपीएल जो है वो चेन्नई के लिए जाना बहुत ही खराब गया था, बहुत ज्यादा खराब गया। ठीक है, और मेरे ख्याल में उसमें 2-3 वजह आती हैं। एक तो शायद सुरेश रैना नहीं थे। अच्छा, ठीक है। और बुमराह किस टीम में? मुंबई। हार्दिक पांड्या किस टीम में? मुंबई। मुंबई। रोहित शर्मा किस टीम में? मुंबई। पूरी इंडिया टीम मुंबई में आ रही है। हाँ जी, पूरी इंडिया क्या मतलब भाई, अच्छी टीम है वो। अच्छी टीम। So guys, आला किस्म के बैट्समैन और बॉलर हैं, भी तो होंगे ना, 4 फॉरनर्स भी हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर दूसरी तरफ अगर आप देखो, आरसीबी की टीम हमेशा ही टॉप की टीम होती है, लेकिन प्यार करती है, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, तो बात दिग्गज खिलाड़ियों की नहीं होती, बात होती है टीम कॉम्बिनेशन और टीम को
लड़ाने की ठीक है, और मैनेजमेंट की ठीक है, ड्रेसिंग रूम की ठीक है, तो बहुत सी चीजें होती है, और उसके बाद लक की भी लक अक्सर काम नहीं आ पाती आरसीबी के। आरसीबी हमेशा मैंने देखा है कि जो उनका सबसे बड़ा मसला रहा है ना वो बैड लक का, ठीक है, बैड लक की वजह से हमेशा बेचारे फंस जाते हैं। रोहित शर्मा की जो है ना, मगर मुंबई टीम को देखा जाए तो मुंबई टीम की लक कैसे है, जैसे इंडियन मूवी आई थी लक, अच्छा उसमें इमरान खान का जो लक था ना वही जो है ना रोहित शर्मा की टीम का लक, गोली भी लग गया तो दिल दूसरी साइड पे हो जाता है। देखो दादा के ऐसा ही हाँ, ये तो असल में है गोली वाला, ये असल वो नहीं है, हमारे दोस्त है उनको 15-20 नहीं थी ज्यादा बता रहे थे, मतलब के 7-8 गोलियां मारी थी, ठीक है, नहीं नहीं 15-20 ज्यादा गोलियां मारी, जाके देखने चलो बार जितनी भी मारी हो, छलनी छलनी कर दिया भाई, मर गया था फिर दोबारा जिंदा हो गया, बस नहीं मरा वो, आज भी हमारी दुकान पे आके कभी कोई बैठा होता है दिल पे निशान लगा के किसी ने गोली मारी तो दिल ही लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे था। सो गाइस ये था वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।